जब भी वीडियो बनाने का होता है कोई ना कोई जरूर बात करता है ना बाहर, बट डज नॉट गो विथ माई थिंग्स लाइक लकी मी नो समटाइम्स बट यस समटाइम्स नो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल. केमन आछो सबाई. आज के वीडियो में हम अफोर्डेबल और लग्जरी दोनों के कैटेगरीज के कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन करेंगे विच यू कैन बाय ड्यूरिंग द नाइका पिंक लव सेल. So I have 5 luxury products and 5 affordable products with me. और जहां तक मुझे पता है मैंने most of them have never been on this channel, okay? I haven't recommended you guys ever on my channel, most of them, okay? If you really want to see the recommendation that I have, affordable plus luxury makeup products, then you have to keep on watching. Firstly, let's talk about 5 luxury product that I will going to recommend you guys. First and foremost, primer. अगर पिछले बार के videos में देखा होगा तो मैंने primer suggest किया था Bobbi Brown का Vitamin E Enrich. This time, I'm making an exception and I actually got it from Dubai, but यहाँ पे भी available है तो आप देख सकते हो. और benefit, I think कुछ discount देते हैं. At the same time, आपको कुछ gift भी मिलेंगे. अगर मेरे को फिलहाल पता नहीं है कि क्या डिस्काउंट वगैरह है क्या नहीं, बिकॉज हम आज होमवर्क करके नहीं बैठे थे. सो यू जस्ट हैव टू चेक आउट द स्क्रीनशॉट दैट आई एम प्लेसिंग ऑन द स्क्रीन राइट एट द मोमेंट. ये बेनिफिट प्रोफेशनल प्राइमर इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्राइमर इन इंडिया, नॉट ओनली दैट बट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके पोर को मिनिमाइज करता है. द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वन ऑफ अ काइंड. मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे प्राइमर्स वगैरह यूज किए हैं, बट देन सिंस व्हेन आई गॉट माय हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट आई हैवन्ट बीन लाइक आई एम गशिंग ओवर ऑन दिस प्रोडक्ट. लाइक ये सीधा आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस मच और ये देखो, ये पोर को मिनिमाइज भी करेगा और फिर पोर को फिल इन भी करता है. एंड देन दिस इज अ यूनिवर्सल शेड, एनी वन कैन यूज इट बिफोर मेकअप रूटीन. और स्पेशली इफ यू हैव ऑयली टू एक्ने प्रॉन स्किन टाइप, दिस विल गोइंग टू शो सम वंडर्स ऑन द स्क्रीन एंड आई एम नॉट किडिंग यू. ओके, नेक्स्ट वुड बी नो एक्सेप्शन, बिकॉज लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को शायद रिकमेंड किया था Bobbi Brown का पिंक ग्लो हाइलाइटर. इसका अगर कोई सब्स्टिट्यूट हो तो मेरे को बताना प्लीज, ताकि हम भी कुछ खरीद सके. दिस हाइलाइटर इज वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर्स, इवन दो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट आई कैन टेल यू अगर इसके स्मॉल साइज मिलता है ना, गो फॉर दैट वन, बिकॉज दे आर वन ऑफ अ काइंड. आई एम टेलिंग यू इट्स द बेक हाइलाइटर. पता नहीं इसमें स्क्रीन में कितना दिखा रहा है, बट दिस इज दैट रिफ्लेक्टिव हाइलाइटर. आई हैव यूज इट टूडे फॉर माई वीडियो पर्पज. इस साइड में कुछ और यूज किया है बट यहाँ पे मैंने ये वाला यूज किया. इफ यू कैन सी दैट, ये पिंक रिफ्लेक्ट के साथ सिल्वरिश और मल्टी कलर वाले रिफ्लेक्शंस आते हैं इसमें. दिस इज नॉट द टिपिकल गोल्ड एंड पिंक वन, दिस इज पिंक विद द सिल्वर टोन वन. एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि ये बहुत इजिली ब्लेंडेबल होता है. द वे दिस प्रोडक्ट गिव्स शाइन ऑन द स्किन, टॉप नॉच, ट्रस्ट मी. I think after experimenting a lot with my eyebrows and stuff, I am sticking with something which is very extraordinary. Anastasia Beverly Hills have been famous for their eyebrows game and उन लोगों का OG product. I know benefits बहुत अच्छे अच्छे eyebrows के products बनाते हैं. If next you are talking is the Anastasia Beverly Hills. और इस बार मैंने Anastasia Beverly Hills का eyebrow gel लिया था and it's the shade medium brown. और ये वाला मैंने small size में लिया था, ये 1200 पड़ा था. You can get it on discount or you will get it in other facilities and offers also. As I mentioned कि screenshot दिखा रहा होगा, आज I'm just going to apply it and I'm going to show you. ये अगर आप itself भी use करोगे ना, बहुत मस्त होता है. ये पूरा ना वो वैक्सी वैक्सी सा नहीं कर देता है. और फिर ये अगेन बिगनर्स कैन यूज इट, प्रोफेशनल कैन यूज इट, एडवांस कैन यूज इट, एनीबडी कैन यूज इट. दिस इज दैट गुड. ये वो क्लम्पी सा नहीं हो जाता है कि यूज करते आपको स्टिफी और क्लम्पीनेस दिखता है. नो, दिस इज दैट प्रोडक्ट. दुबई में सिर्फ ये कैरी किए थे हम और हम सिर्फ यही यूज किया करते थे. जस्ट वन और टू कोट ऑफ दिस एंड आई एम गुड टू गो, क्योंकि वहां टाइम नहीं हुआ करता था. एंड दिस केम वेरी हैंडी.
to be honest. Channel is nothing if I'm not sharing Charlotte Tilbury ka recommendation. And when I tell you, Charlotte Tilbury is killing it, you guys. Sare products mein. That's what I meant. If you have the budget for a setting spray, if you are looking for an expensive setting spray, there is nothing else I can recommend you apart from Charlotte Tilbury ka Air Brush Flawless Setting Spray. Oh my god. Dekho, bahut kuch available hai market mein. I know that. Ab to Urban Decay ka bhi on nighter spray aa chuka hai. But when I checked, like I was thoroughly googling, researching, YouTube mein shayad thousands of videos dekhe maine. फिर मैंने ये भी देखा कि कंपेयर वाले वीडियोस भी देखे मैंने कि शार्लेट टिल्बरी का अगेंस्ट द अर्बन डिके ऑल नाइटर स्प्रे मोस्ट ऑफ देम वेर सजेस्टिंग टू गो फॉर शार्लेट टिल्बरी आई डोंट नो व्हाई बट शार्लेट टिल्बरी इज किलिंग यू गाइस आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट वेल यस दिस इज एक्सपेंसिव ये 3600 रुपीज का आता है बट नायका हमेशा शार्लेट टिल्बरी के प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट देते हैं आई गॉट इट फॉर ओनली 2600 क्योंकि इसका जो छोटा वाला मिली बॉटल्स है ना वो 1600 का था तो 1600 का आई थिंक 90 मिलीलीटर प्रोडक्ट था नो 30 मिलीलीटर प्रोडक्ट था आई गेस 1600 का और मैंने 2600 में 100 मिलीलीटर का खरीदा सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस पॉइंट एज वेल हाँ इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सेल का वेट करो इफ यू आर बाइंग सम लग्जरी प्रोडक्ट ताकि आपको उसके साथ और भी ऑफर्स मिले या डिस्काउंट मिले यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट योर मनी इफ यू आर फ्रॉम द ड्रायर टू नॉर्मल स्किन टाइप एंड आई हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन जब हम रिव्यूज वगैरह चेक कर रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन लग रहा था कि आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट दिस प्रोडक्ट क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारे इंडियन टेम्परेचर में ये काम नहीं करता है नो दिस वर्क्स वंडर आई एम फ्रॉम कोलकाता यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है यहाँ पे ठंड कम पड़ता है यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है स्वेटी वेदर ज्यादा होते हैं दिस विल गोइंग टू वर्क ऑन माई स्किन आई नो दैट फॉर श्योर दुबई में पूरा ट्रिप में मैंने ये यूज किया था अपने गेट रेडी विद मी वीडियोज उठा के देख लो दुबई का सारे जगह आपको सिर्फ यही सेटिंग स्प्रे दिखेगा अगर मैंने कभी भी सेटिंग स्प्रे दिखाया है अपना गेट रेडी विद मी वीडियो के टाइम पे दिस वॉज द ओनली सेटिंग स्प्रे आई वॉज कैरिंग विथ मी एंड दैट्स वाई मैंने इतना फिनिश भी कर लिया है और हम ये सिर्फ दुबई जाने से ठीक 2-5 दिन पहले ही खरीदे थे दिस इज दैट गुड नो मेल्टिंग नो फेडिंग नो क्रीजिंग व्हेन दे से दिस थिंग्स विल गोइंग टू मेंटेन यस दिस विल हाँ एक बैकलैश इसका ये प्रोडक्ट का ऐसा है आफ्टर यू आर अप्लाइंग दिस ऑन द स्किन ये ना आपको थोड़ा सा स्ट्रेची सा फीलिंग देता है लाइक यू विल नॉट टॉक कम्फर्टेबली अब मेरे को ये नहीं मालूम कि वो अर्बन डीके वाले में भी सेम होता है या कोई और भी ब्रांड्स के सेम होते हैं बट मेरे को इसमें ये फीलिंग आया इफ यू डोंट फील लाइक कि ये आपको ज्यादा बॉदरिंग लगेगा दैट हल्का सा स्टिकीनेस मीन्स स्टिफ लगेगा आपको बात करने में बट आई डोंट माइंड बिकॉज द प्रोडक्ट इटसेल्फ वाज सो गुड मेल्टिंग होने से अच्छा हम थोड़े स्टिफ हो जाए That's what makes sense because I have extremely oily skin, so I need something which can hold up my makeup like aisa karke ekdam thop ke ekdam. That's why. Get your hand on this product. Lastly, I'm going to recommend you guys. This is not a makeup. This is not something, but you will not going to regret it if you will get this product. Lancome ka Lavie Belle perfume. I don't know. Maine agar kabhi recommend kiya hai aapko mere kisi Nykaa video mein. Lancome कुछ डिस्काउंट देते हैं भाई Lancome कुछ गिफ्ट्स देते हैं भाई Dior के बाद अगर कोई ब्रांड मेरे को पसंद आता है when it comes to gifting and stuff, freebies and stuff, it's this brand. Oh my god, ये ब्रांड 5-5 6-6 चीजें गिफ्ट में देते हैं फिर उनके मेकअप पाउच इज पेटेंट आप जब भी कुछ खरीदोगे यू विल गेट अ मेकअप पाउच नो मैटर वॉट सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफ्यूम दिस टाइम During the sale, go for Lavie Belle, Lancome ka Lavie Belle. Why am I saying Lavie Belle all the time? Lavie Belle, Lancome, Eau de Parfum. This is the Eau de Parfum version, and this smells like. See, I know that I can explain perfumes. Okay, I know that how a product smells. But there is something that I just can't explain about this product. Ye mild. फ्लोरली प्लस फ्रूटी स्मेल है
दिस स्मेल्स लास्ट फॉर एवर. एक बार लगा लोगे नहीं जाएगा. कोई भी रूम में एंटर करोगे पीपल विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर यू वेयरिंग. ये डे नाइट समर विंटर रेनी ऑटम बर्थडेज फ्यूनरल सब में काम आ जाएगा. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग ये परफ्यूम ऐसा है इट्स लाइक यू नीड वन परफ्यूम फॉर एनी टाइम ऑफ द ईयर इज दिस. यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट. अगर आपको एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाले स्मेल्स पसंद नहीं आते यू फील हेडेकी एंड स्टफ गो फॉर दिस परफ्यूम. दिस इज दैट परफ्यूम आई एम टेलिंग यू. यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट. एंड एज आई मेंशन कि लैनकॉम हमेशा फ्री गिफ्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ ऑफर देते हैं ड्यूरिंग द सेल. जस्ट चेक इट. टाइम फॉर मी टू गिव यू 5 अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स. के ब्यूटी आई डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन नायका के वेबसाइट में या ओवरऑल इंडिया में. ठीक है. सो वन थिंग इफ यू हैव टू पिकअप यू शुड पिकअप द फाउंडेशन लाइट वेट फाउंडेशन. बहुत मस्त हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है. आई एम अ ऑयली स्किन पर्सन. लाइट वेट है हाइड्रेटिंग है बट दैट्स व्हाट डज दिस जॉब. दिस इज दैट फाउंडेशन. थोड़ा एक्सपेंसिव होता है हिसाब से बट दिस विल लास्ट यू फॉर एवर क्योंकि 30 ml प्रोडक्ट है. आप अगर डेली यूज नहीं करते हो दिस विल गोइंग टू डू द जॉब. फ्रॉम मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज देता है ये. इवन दो आप अगर ऑयली स्किन हो तो आपको बहुत ज्यादा मैट प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे बिफोर यू अप्लाई दिस प्रोडक्ट और आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट यू हैव टू सेट योर फेस विद द पाउडर्स एंड स्टफ. बट देन द फॉर्मूला ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली यूनिक और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सजेस्ट करते हैं. मैंने इनका कभी कंसीलर वगैरह यूज नहीं किया है. आई एम सॉरी बट आई रियली वॉन्ट टू यूज द कंसीलर बिकॉज कंसीलर के बारे में मैंने बहुत सुना है. आई हैव यूज देयर लिपस्टिक एंड आई डिडंट लाइक द क्रेयॉन लिपस्टिक. सो लेट्स नॉट गो देयर. आई हैव देयर बुलेट लिपस्टिक विच आई डिडंट लाइक अगेन. लेट्स नॉट गो देयर. बट आई हैव द ब्लश विथ मी के ब्यूटी का. दैट्स माई गो टू ब्लश. ओके. और उसके बाद अगर कुछ गो टू है इट्स दिस प्रोडक्ट. आई मीन द शेड 120Y लाइट. ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए बट देन आई मैनेज विद द ब्रॉन्जर एंड स्टफ. दिस इज वन ऑफ दैट प्रोडक्ट यू शुड पिक इट अप ड्यूरिंग द सेल. सेकेंड वुड बी नायका का एक आई शेडो पैलेट. ओ माई गॉड नायका आई शेडो पैलेट इतना सस्ता बना रहा है ना कि किसी को भी कुछ भी पसंद आ जाएगा उनके रेंज से. इवन दो दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय नायका ड्यूरिंग माई बर्थडे मंथ. तो ये वाला सन डाउनर स्टनर प्लैनेट पैलेट है. प्लैनेट ने पैलेट है एंड दिस कॉस्ट टू 599. अगेन नायका में नायका का सेल है और नायका के प्रोडक्ट्स में ऑफर नहीं होगा ये ऐसा हो नहीं सकता है. चेक इट आउट एंड सी द स्टोरीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. आई मीन द आई शेडो पैलेट के स्टोरी लाइन देख लो. आपको न्यूड मिल जाता है दो शेड. देन यू विल गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिमर एंड ग्लिटरी. ये थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्ट ग्लिटर्स है एंड तो 6 शिमरी शेड है, 2 न्यूड शेड है और 2 थोड़े पॉप कलर्स है जो कि आपको बीची वाइब और सनी वाइब देगा. आज मैंने यूज किया है इवन दो इट्स नॉट दैट प्रॉपरली डन बिकॉज माई स्किन इज रिएक्टिव टू अ प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग लेटली. सो आईज में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करा बट देन द पिगमेंटेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट द थिंग्स आई कांट कंप्लेन बिकॉज इसमें केक ऑफ भी कम होता है आपके आईज के नीचे. वो भी डस्ट भी आपको कम दिखेंगे जब आप यूज करोगे. द शिमर्स आर एक्चुअली टू डाई फॉर. द मैट्स blends butter. I mean it's overall a very good palette on a affordable range on a budget price. Check out their range of the eyeshadow palettes. You will not regret. Next hoga ek brush set jo ki maine recently kharida tha. It's from the Bronson Professional. Ye premium 10 brush kit set hai. 5 face aur 5 eye makeup brushes hai. But I'll tell you something. The face brushes are actually very soft and nice and good in texture. As you can see, ये बहुत soft है. I've been using it for the foundation thing. Flat है बोल के. और ये मैंने कुछ दिन पहले I think मैंने वो Pat McGrath का जो वीडियो बनाया है ना उसमें मैंने ये सारे ब्रशेज को पहली बार यूज किया एंड आई लव्ड इट सो मच. दैट्स व्हाई यू कैन सी द पिगमेंट ऑफ दिस. दिस आर वेरी लाइट वेट. ये प्लास्टिक से है बना हुआ बट दिस इज वेरी हैंडी.
और बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है और बहुत ही सस्ता है. आई हैव ओनली 3 विद मी राइट नाउ, पता नहीं बाकी का इधर उधर होगा. दीज आर द आई ब्रशेज दैट यू विल सी. मेरे पास आई ब्रशेज के सारे सेट है फॉर्चुनेटली. यू विल गेट 5 ब्रशेज. इट्स द टेपर्ड ब्रश जो कि आपके फाइन शैडोज को बैठाने के लिए. देन यू विल गेट द पेंसिल ब्रश, डिफाइन पेंसिल ब्रश, एंगुलर ब्रश, देन फ्लैट टेपर्ड ब्रश एक और थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए. एंड देन यू विल गेट दिस अ लिटिल ब्लेंडिंग ब्रश. द सिंथेटिकनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एक्यूरेट जो कि एक आई शेडो ब्रशेज में या ब्रशेज में होना चाहिए. द ओनली कॉन पार्ट ऑफ दिस ब्रशेज आर तो किसी किसी के रेसे मतलब ये जो होते हैं ना ब्रिसल्स निकलते हैं वो मेरे एक ही इतने 10 ब्रशेज में एक ही में हुआ था ऐसा कि मेरे ब्रिसल्स निकल रहे थे. इफ आई हैव दैट विद मी यस इसी का है. ये देखो ये जो ब्रिसल है ना ये निकल चुका है. ठीक है ओह ये रहा हाथ में आ गया. सी दैट सी में सिर्फ प्रॉब्लम था मैन्युफैक्चरिंग. अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज वेरी नाइस. बहुत फ्रेंडली है एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है. 250 rupees में आता है. प्रोफेशनल कैन यूज इट, बिगिनर्स कैन यूज इट. गेट योर हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट. लमेल इज लाइक दे आर एस्टैब्लिशिंग, दे आर मार्किंग देयर स्टेप्स. ओके इफ दैट मेक्स सेंस. लमेल इज डूइंग द जॉब. When I say this, I got the Lamel ka glitter bomb. If you are a glitter lover, if you love glitter, if you love the shine, where's the glitter? Okay, I said we need more glitters. That's what this means. This one is the blue with the silver one. Yes, it's the blue with the silver one. This is very nice. Look at my eyes. I have used it like disco ball wale feeling aate. This is that good. You can use it in your face, you can use it in your body, you can use it anywhere you want. Okay, it's that good. I can't tell you enough about this product, how obsessed I am with this glitter. As you can see, mostly mere jitne bhi videos mein aap glitter lagate hue dekh rahe ho na in recent times, this is the answer to that question. Okay, get your hands on this Lamel ka glitter bomb because India mein glitter ke products bahut kam hain. तो अगर ग्लिटर के प्रोडक्ट्स हैं तो लमेल के ट्राई कर सकते हो. दे विल नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू. इवन आई एम लुकिंग फॉर दैट पिंक वन बिकॉज आई नीड इट. बट पिंक वाला यहाँ इंडिया में लॉन्च शायद नहीं किया. गोल्डन मेरे को चाहिए नहीं बिकॉज इसमें सिर्फ गोल्डन है. इसमें मल्टी कलर है, पर्पल है प्लस सिल्वर है. सो यू विल लाइक द रिफ्लेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट एज यू कैन सी दैट. सो इट्स अ मस्ट बाय फॉर मी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलर पॉप हैज फाइनली लॉन्च्ड इन इंडिया. बट कलर पॉप के ना वाइड रेंज है. जब आप कलर पॉप के वेबसाइट में देखोगे ना आप शॉक्ड हो जाओगे कि कलर पॉप हर महीने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकालता है कि आप ट्रेंड के साथ कोप अप नहीं कर पाओगे. विच डिसअपॉइंट मी अ लिटिल क्योंकि नायका में 1% भी प्रोडक्ट नहीं है कलर पॉप का जो कि उनके वेबसाइट में होता है. एंड आई होप कि कलर पॉप फुल्ली अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल करेगा. नॉट ओनली द कलर पॉप इट सेल्फ बट प्रिटी फ्रेश या उनके स्किन केयर लाइन्स, इनके ऐसे 4-5 अम्ब्रेला ब्रांड्स है वो भी अगर लॉन्च होगा ना तो आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई देयर प्रोडक्ट्स फॉर श्योर. आई हैव बीन अ कलर पॉप पर्सन आई मीन माई एंटायर लाइफ क्योंकि आई हैव फॉलोड मैनी एमयूए, लॉरा ली, देन जेफरी स्टार, जैकलिन हेल. इन लोगों को मैंने कलर पॉप के बारे में बात करते हुए सुना है. कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स है बाहर के जो लोग उनके अपने अपने कोलैबोरेशन भी हुए वह कलर पॉप के साथ. सो दैट इंट्रीग्ड मी टू द कोर. ओके बट इंडिया में जब लॉन्च किया तो आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम रिकमेंडेशन अबाउट देयर आई शेडो पैलेट्स एंड स्टफ. दे आर टू डाई फॉर. व्हेन आई से आई हैव huge color pop obsession, that's what I meant with. I told you I'm a big lover of color pop ka blusher jo ki available nahi hai, ye limited edition tha. Fir color pop ka very famous palette the purple one, it's my pleasure. Color pop, oh my god ye bahut acha hai. Agar ye kabhi available hua India mein, agar aap purple shade ke fan ho प्लीज बाय दिस आई शेडो पैलेट. दिस इज समथिंग यू विल लव इट. ओके बट इवन दो क्योंकि आई शेडो पैलेट जो वहां यहाँ पे लॉन्च किया है मेरे पास एक भी नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस.
This is the Cool Tone palette. That's the Rock Candy. And Fade Into Hue. Agar ye kabhi launch kiya, please you guys, buy this. This is the Rainbow palette and that's all you need. That's all you need in your life. Anyways, so because I was just bragging about my ColourPop collection, but I have something to show you. Ye lipstick dekh rahe ho? It's from the ColourPop. Aur ye hum pichle 2 saal se use kar rahe hain. Is first of all, it's the ColourPop lippy stick, okay? And it's in the shade Trust Me, this shade will going to give you compliment. Trust me, this shade will going to be on flattering to every Indian skin tone. Kyunki isme blue undertone hai and the pigmentation, the one swipe magic is enough said to this product. This is that nice. So this is my last recommendation for the Nykaa Pink Love sale. You have to pick up ColourPop ke lippy sticks specifically if you love matte lipstick. This is extremely lightweight, cracky nahi hota, dehydrate nahi karta, even though it's not smudge proof or case proof. You will going to see most of it, but yes, ye aayega jab bhi kuch khaoge nikal jayega, but this is one of that lipstick, you should get it. And because ColourPop is sirf ye shade available hai, that's why I'm proudly sharing it with you. And if you really want to know about the formulas and stuff, you will not going to regret your money on the ColourPop lipstick. And I have been telling this for years and years now. Next, agar by chance aapko kabhi ye shade dikhta hai with the band, it's from the same range, that's the ColourPop lippy stick. This is that nude lipstick. Oh my god, I was obsessed over. Oh, I can't tell you enough about this shade. See that? I love this mauve sa, matlab nude lipstick. Halka sa pinkish undertone hai isme. Halka sa hint of pink hai. That's what you want in your life. But if you don't find this shade, jo ki hai nahi, maine dekha hai, but trust me, is there. If you need one red lipstick, it to get blue undertone ho, jo ki thoda sa cool tone ho, but sare Indian skin tone pe acha lagega, this is your shade, okay? You will get compliment no matter what. I'm not kidding. And with that being said, ye hoga mera Nykaa Pink Love ka 5 affordable and 5 luxury makeup suggestions or recommendation to you guys. आपको आज के वीडियोस का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? आप ColourPop के लिपस्टिक या ColourPop का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते थे इससे पहले या नहीं? Let me know in the comment section. वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो you have to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And I will see you in my next video for sure, you guys. Bye. Oh my hand, look at this, the pigment. Oh.